हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। पहले हम बात करेंगे, एक बोर्ड की तरफ से रिप्लेस पैनल यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिससे जो नए छात्र हैं उनको यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा एक बोर्ड की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कैंडिडेट यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। फिर से यहाँ पर उनकी लिस्ट भी यहाँ पर डाल दी गई है और रीजन भी बताए गए हैं, जिससे वेटिंग वाले छात्रों को फायदा होगा, क्योंकि ये जो कैंडिडेट हैं इनका कैंडिडेट जब कैंसिल कर दिया गया है तो नए छात्रों को लिया जाएगा और फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा एक बोर्ड की तरफ से यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी की गई थी, उसके दोस्तों कट ऑफ मार्क्स यहां पर जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा कई बोर्ड की तरफ से डीवी की नई लिस्ट यहां पर जारी की गई थी, उनके गाइज एडमिट कार्ड यहां पर डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। सबके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। रेलवे भर्ती के ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो पहले खबर की बात करते हैं दोस्तों, पहली जो अपडेट आ रही है वो आपके आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड की तरफ से आ रही है। यहां पर दोस्तों जो एएलपी की भर्ती निकाली गई थी 2018 में, उसका रिप्लेस पैनल यहां पर जारी कर दिया गया है। तो यहां पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो नीचे की ओर जहां पर सहायक लोको पायलट टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन है यहां पर दिया गया है। देखिए, यहां पर सप्लीमेंट्री रिप्लेसमेंट पैनल एंड एडिशनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी, तो यहां पर एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एक अलग से रिप्लेस पैनल यहां पर जारी कर दिया। इसको यहां पर डाउनलोड करते हैं और आपको बताते हैं रिप्लेस पैनल कैसे जारी किया जाता है। तो यहां पर 30 मार्च की डेट में यहां पर ये नोटिस डाला गया है। यहां पर बोला गया है कि सीबीटी एग्जाम हुआ था, ये तारीख आपको दे रखी है। इसके अलावा सेकंड स्टेज सीबीटी हुआ था, इसकी डेट आपको दे रखी है। उसके बाद में यहां पर सीबीएटी साइको टेस्ट हुआ था, उसके बाद में डीवी मेडिकल होने के बाद यहां पर 24 कैंडिडेट हैं जिनको गाइस दोबारा से यहां पर शामिल कर लिया गया है, रीमेडिकल में फिट हो गए हैं और इनको यहां पर असिस्टेंट लोको पायलट यानी कैटेगरी नंबर 2 यहां पर अलॉट की गई है। और इनको गाइस रिप्लेसमेंट पैनल या एडिशनल पैनल के माध्यम से इन स्टूडेंट को यहां पर शामिल कर लिया गया है। ये जो कैंडिडेट हैं इनको जल्दी यहां पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और यहां पर देखिए, ये जो कैंडिडेट हैं इनकी लिस्ट यहां पर जारी की गई है, ओबीसी के 4 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा ओबीसी के 4 कैंडिडेट हैं जिनको यहां पर यूआर में शामिल किया गया है। यहां पर देखिए, यूआर के 13 कैंडिडेट यहां पर शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा ओबीसी के 7 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा यहां पर एससी का 1 कैंडिडेट है और एसटी के यहां पर 3 कैंडिडेट हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं रिप्लेस पैनल कब आता है, रिप्लेसमेंट पैनल। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके 5000 पदों पर भर्ती होने वाली है और रेलवे यहां पर 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाती है एएलपी के लिए, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाती है। तो मान लीजिए 7500 लोगों को यहां पर डीवी के लिए बुलाया, तो यहां पर 5000 लोगों को जब शुरुआत में ले लिया जाता है तो उसमें से क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहां पर ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डिवीजन होते हैं वो यहां पर मांग करते हैं रिप्लेसमेंट पैनल की। तो यहां पर जो एडिशनल स्टूडेंट लिए जाते हैं, है ना, जो 50% एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट लिए जाते हैं, उनमें से दोस्तों रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से नए छात्रों को यहां पर शामिल किया जाता है। तो यहां पर एएलपी में यहां पर नए स्टूडेंट हैं जिनको यहां पर शामिल किया गया है। अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, अगली खबर यहां पर सिकंदराबाद बोर्ड की तरफ से आई है। यहां पर कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से यहां पर एक और लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई। दोस्तों, ये मैंने कल यहां पर इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन आज यहां पर रिजेक्टेड कैंडिडेट फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी। तो यहां पर देखिए फिर से गाइज, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कैंडिडेट यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। यहां पर देखिए, 1 अप्रैल को यानी कल की डेट में यहां पर नोटिस आया था, इंटीमेशन रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर, यानी कि नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं आपके सीए नंबर 2018 यानी ग्रुप डी भर्ती 2018 के, इनके दोस्तों कैंडिडेट यहां पर कैंसिल कर दिए गए हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये डेट दे रखी है, यहां पर एग्जाम हुआ था, उसके बाद में डीवी हुआ, फिजिकल हुआ, उसके बाद में डीवी हुआ, और यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थर्ड फेज के 108 कैंडिडेट हैं जिनका यहां पर कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है। और गाइस, इनको सेकंड और यहां पर फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई थी, यानी कि ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो गए थे और इनको दोबारा मौका दिया गया था, लेकिन दोस्तों ये यहां पर एब्सेंट हो गए थे। और ये जो कैंडिडेट हैं इनको यहां पर रेलवे ने हमेशा के लिए डेबिट घोषित कर दिया गया है, यानी कि ये भविष्य में किसी प्रकार की अपील नहीं कर सकते इन भर्तियों के लिए। तो यहां पर दोस्तों बहुत अच्छी खबर है जो वेटिंग वाले छात्र हैं उनके लिए, क्योंकि 108 जो पद हैं वो यहाँ पर इनकी वजह से खाली हो गए हैं। और कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें 75 कैंडिडेट थे, उनको भी यहाँ पर बाहर कर दिया गया था। तो यहाँ पर दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट जारी की जाएगी, जब तक जितने स्टूडेंट हैं उनको पैनल में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडिडेट हैं 108 कैंडिडेट टोटल यहाँ पर कैंडिडेट थे, इनके रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपको इनके रोल नंबर और नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको गाइस रेलवे ने कैंडिडेट यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की।
अगली खबर की बात करें दोस्तों, ये आपके साउदर्न रेलवे चेन्नई की तरफ से आ रही है। यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक नई लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी फिफ्थ फेज के लिए, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फिफ्थ लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर वो अपने एडमिट कार्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्लिक हेयर टू डाउनलोड कॉल लेटर, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट यहाँ पर जारी करी है, वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB डालकर अपने यहाँ पर जो इको लेटर है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल है किस शहर में किस तारीख को होने वाला है। तो ये यहां पर अपडेट्स आपके लिए हैं। और लास्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर ये जो अपडेट है वो सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से यहां पर आया है। यहां पर दोस्तों जैसे आपको पता होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सेकंड लिस्ट यहां पर जारी की गई थी, यहां पर देखिए, और इसके बारे में आपको अवगत भी किया था, ठीक है। तो इसी के बारे में अपडेट यहां पर दिया गया है। यहां पर देखिए, ये जो कैंडिडेट है यहां पर यहां से अपनी लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए, यहां से आप इको लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इको लेटर भी आपके डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं, तो यहां से आप अपने इको लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से वही आपसे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछेगा, तो आप यहां से अपना जो इको लेटर है यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर एक चीज और, यहां पर देखिए, यहां पर कट ऑफ मार्क्स आपके जारी कर दिए गए हैं। नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट यहां पर जारी की है, तो इसको मैं डाउनलोड करता हूं आपके सामने। तो यहां पर देखिए, ये कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। जो पहले कट ऑफ गई थी ना, आपको बता दूं, अगर वेटिंग वाले आप स्टूडेंट हैं तो पहले जो कट ऑफ गई थी ना यूआर की, वो गई थी आपके सामने 71.28 और अब गई है 71.00918। इनकी पॉइंट्स में यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है ना दोस्तों, वो कम हुई है। और OBC नॉन क्रिमिलियर है इनकी दोस्तों, यहाँ पर देखो 69.11 और अब यहाँ पर देखो 69.01, यानी कि 0.10 कम हुई है ओनली। देखो, आप खुद सोच सकते हैं कितनी इतनी सी कम कट ऑफ हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर SC ST के कैंडिडेट बुलाए ही नहीं गए हैं। तो इस प्रकार से आज के अपडेट्स यहीं पे समाप्त होते हैं। रेलवे भर्ती के सारे अपडेट्स पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी अपडेट होगा, जैसे ही कोई भी अपडेट रेलवे के वेबसाइट पर आएगा तुरंत आपको मैं अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा रेलवे के अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।